सीओ किचन बाई सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, गलगल। गलगल का चार जी है गलगल हमारे पास छोटे साइज। इसको हम क्या करेंगे, साफ सूख करके सुखा के रखा हुआ गिल्ला नहीं, इसको हम काटेंगे। काट के छोटे टुकड़ों में काट लो, ऐसे करके काट दो, फिर और पीस छोटे कर दो। इसके चाहो तो इसको आग के ऊपर ही पका सकते हो, जो कच्चा भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्जी है। अगर आग के ऊपर पकाओगे जो क्या करेंगे हम लोग भी आपके ऊपर ऐसे करेंगे, आग जला के गैस कढ़ाई में तेल डाल के मेथी डाल के जल डाल के उसके ऊपर तैयार हो जाएगा, पर वो इतना स्वाद नहीं बनता जो कच्चा चार ज़्यादा स्वाद बनता। देर लगती 3-4 दिन पर बनता स्वाद है। ऐसे टुकड़ों में काट लो। जो आजकल आती है सर्दियों में आता गलगल, गर्मियों में नहीं मिलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े हमने काट के रखे हुए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार मिर्च, चाहे ज़्यादा आपकी मर्जी, चाहे कम या आपकी मर्जी है, एक चम्मच ये छोटा हमने डाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, और नमक 2 चम्मच ये वाले नमक, इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं थोड़ा सा, कि ये नमक डालने से अचार कभी ख़राब नहीं होता। 1 चम्मच छोटा हल्दी का डाल, और क्या करेंगे इसमें हम कच्चा तेल सरसों का, वो भी 1 कड़छी के लगभग हम डाल देंगे। अब इसको क्या करो, आप मिलाओ अच्छे तरीके से, मिला ताकि कोई सूखा न रहे। मिला दिया अच्छे तरीके से, मिला के अब हमारा जो चार तैयार है। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिर्चे भी डाल देते हैं साबुत, ये देखो, ताकि चार बहुत टेस्टी बन जाए, गलगल और लाल मिर्च का चार। कट लगा दो या 2 हिस्से कर लो, जो आपकी मर्जी है। कट करोगे तब भी नमक आ जाएगा, 2 हिस्से करोगे तब भी नमक मिल जाएगा। आजकल का मिर्च का चार डालोगे बीच में कभी खराब नहीं होता, मौसम बरसात में जब मिर्च आजकल पकी होती है खराब नहीं होती। जब भी आप साल भर रखो कभी चार खराब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, शीशी में डाल के हमारा चार अब सारा मिक्स हो गया, नमक मिर्च हल्दी। अब इसमें जो हमारी जो शीशी है ये भी सूखी है, हल्दी वाली शीशी है ये सूखी है, इसमें पानी का निशान नहीं है। अब इसमें हम ये डाल देंगे बस, ये धूप में 4-5 दिन रख देंगे, अचार हमारा तैयार हो जाएगा। ये भी चार बड़ा स्वाद बनता है, रोटी के साथ खाओ, परोठी के साथ खाओ, मज़ा ही आता है खाने का स्वाद। ये सब खाने के स्वाद के बनते हैं अचार। ये हमारा गलगल और मिर्चों का अचार है। जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।